हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक जो मैंने वेयर किया था। ये बेसिकली एक गेट रेडी विथ मी है। भाभी के बर्थडे डिनर के लिए हम लोग जा रहे थे तो मैंने ये मेकअप लुक किया था। तो बहुत न्यूट्रल सा लुक है विथ सम पीची पिंक टोन्स। तो चलिए आज हम लोग ये देखेंगे मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का ब्लर प्राइमर। मैं इसे अप्लाई कर दूँगी बहुत जल्दी में। मैं ये मेकअप कर चुकी थी तो बहुत घाई थी, बहुत लेट हो रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी कर लिया था। तो मैंने अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया, मैंने प्रेप कर लिया था मेरी स्किन। उसके बाद मैं ऑरेंज कंसीलर ले रही हूँ कलर करेक्टर, ये स्विस ब्यूटी का है। और आपको हो सकता है लाइटिंग अलग दिखे क्योंकि मैं लाइटिंग के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ताकि आपको बेस्ट व्यू दे सकूँ। तो मैंने इसे भी अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और मैं आज मोस्टली मैंने ब्रश के साथ काफ़ी लुक किया था। फिर उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं ये ड्यूओ ले रही हूँ, एलेगर्ल और रिमिल का मिक्स। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट वेयरिंग फाउंडेशंस है। अगर आपके पास एलेगर्ल है तो आपको पता ही होगा कि बहुत लाइट वेयरिंग है और ये अच्छी खासी कवरेज आपको दे देता है। इट इज़ अ गुड वन। तो मैंने पहले पूरा फाउंडेशन जो है स्प्रेड कर लिया था विद अ मिनी फाउंडेशन ब्रश और मैं फिर बफिंग ब्रश के साथ मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। बट स्टिल मैं ब्रश यूज़ करने के बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर भूलती नहीं हूँ, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ करूँगी ताकि मुझे वो सॉफ्ट फ्लॉलेस सी फिनिश आ जाए। एंड या मेरी मेरा फेस है ना टैन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं आप लोगों के साथ वो रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी जो मैं बेसिकली यूज़ करूँगी। अभी जब मैं आपको ये ऑडियो दे रही हूँ ना तब तक तो थोड़ा अच्छा हो गया है माशाल्लाह, बट स्टिल चाय पी रही थी मैं क्योंकि चाय इज़ लव। तो चाय पीते पीते आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद है ना मुझसे एक ख़तरनाक चीज़ हो गई थी, मैंने कंसीलर लगा के शूट किया था बट वो फुटेज मिस हो गई। तो या मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी और रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया था। उसके बाद मैं पैक के HD पाउडर से सेट कर रही थी क्योंकि सेट करना बहुत नेसेसरी हो गया है, गर्मियाँ इतनी हो गई हैं। यहाँ मुंबई का मौसम तो अलग ही खेल खेल रहा है, या मैं ये बोलूँ या इंडिया का मौसम बहुत अलग खेल खेल रहा है। अच्छे से सेट करूँगी और थोड़ा बेक करने के लिए मैं अंडर आइज पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं आईब्रोस जो है वो अपने बना लूँगी। मैंने बेसिकली देखा है कि मेरे चैनल पे आईब्रो रिलेटेड कोई भी एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो नहीं है, तो मैं वो भी क्रिएट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद मैं नॉटी न्यूड का पैलेट ले रही हूँ और उसमें से मैं 3 कलर यूज़ करूँगी, जैसे जूसी और नॉटी एंड फिल्टी। तो मैं सबसे पहले जूसी वाला शेड ले रही हूँ और मैं इससे अपना ट्रांजिशन कलर करूँगी। अगर आपके पास नॉटी न्यूड पैलेट है तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, एक सॉफ्ट ब्राउन शेड है। तो मैं इससे पहले सबसे पहले अपना ट्रांजिशन कर लूँगी। उसके बाद मैं अच्छे से लगाने के बाद इसे मैं एक डार्क ब्राउनिश कलर ले रही हूँ यहाँ पे। ये कलर का नाम है नॉटी फ्रॉम नॉटी न्यूड पैलेट। तो ये नॉटी नॉटी है नॉटी न्यूड का। मैं इसे अपने क्रीज में अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। मुझे बहुत सिंपल लगना था क्योंकि ये फैमिली गेट टुगेदर था, फैमिली डिनर था। तो आप लोग को पता है फैमिली में तो वो चलता ही रहता है, कम मेकअप करो तो भी यही रहता है कि तो मेकअप करते हो तुम एंड ऑल। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना था। तो मैंने बहुत अच्छे से नॉटी को मर्ज कर लिया था क्रीज पे और आउटर वी पे एंड्स पे क्योंकि मुझे वो ब्राउननेस चाहिए थी। उसके बाद मैंने एक एंगल ब्रश लिया था और मैं जो शेड है फिल्थी, ये नॉटी न्यूड का सबसे लाइट शेड है, एक कूल टोन आप कह सकते हो, पीच कलर है, कूल टोन, बहुत सॉफ्ट पिंकिश टिंट, पीची टिंट आता है। मैंने उसे वो लिया था और मैं इसे कट क्रीज कर रही हूँ विदाउट कंसीलर, तो आप देख सकते हो वीडियो में। एक्सक्यूज मी। अच्छे से कर लूँगी मैं इसे। बेसिकली एक मैट कलर है, शिमरी नहीं है, मैंने शिमर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किए थे बिकॉज कभी कभी अच्छा लगता है। उसके बाद जो ब्लेंडिंग ब्रश में मैंने डार्क ब्राउन लिया था नॉटी शेड, मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो प्रिसिशन आ सके, ब्लेंडेड दिखे, टुगेदर दिखे लुक।
उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का बेक हाइलाइटर पैलेट है ये मैं ले रही हूँ, और इसमें से मैं एक आगे आप वीडियो देखोगे तो आपको वो कलर दिख जाएगा। सो मैं उसमें से एक पिंकिश सिल्वरी शेड ले रही हूँ हाईलाइट करने के लिए, और मैं इनर कॉर्नर्स पे और ब्रोबोन पे हाईलाइट कर चुकी हूँ। ये आपका गेम पूरी तरीके से चेंज कर देता है, हाईलाइटिंग इज समथिंग एल्स। उसके बाद डार्क ब्राउन शेड अगेन मैं लोअर लैश लाइन पे ले रही हूँ, एक पेंसिल ब्रश पे मैं पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसे अप्लाई करने के लिए। तो ब्रशेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप मेकअप करते हो, तो अगर आप एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट डाउन करना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी। उसके बाद मैं एक ब्राउन काजल ले रही हूँ कोल पेंसिल, दिस इज़ बाय माई ग्लैम, और मैं इससे अपने लैश लाइन अबव लैश लाइन पे अप्लाई कर दूँगी, पर मैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत थिन लाइन अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आइज़ के जो लिड स्पेस है वो बहुत छोटी है, तो मैं नहीं चाहती थी वो रून हो जाए जो मैंने किया है। और उसके बाद पेंसिल ब्रश से मैं उसे थोड़ा सा स्मज आउट कर रही हूँ। यहाँ मैं पाउडर डस्ट कर रही हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर था मेरी स्किन पे तो मैं उसे डस्ट ऑफ कर दी करने लगी हूँ। शुगर का डी कॉन्टोर डी फोर्स पैलेट ले रही हूँ और उसी से मैं कॉन्टोर करूँगी। तो बेसिकली मैं ये पैलेट काफ़ी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली इसे ख़त्म भी करना है, और मैं इसे रेगुलर यूज़ करके देखना भी चाहती हूँ कि कैसे वर्क करा है। तो मुझे इसका कॉन्टोर और हाइलाइटर तो समझ आ चुका है, बट इसका ब्लश मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है इसके साथ। उसके बाद मैं सेम वही पैलेट से ना ब्लश ले चुकी थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पिंकीनेस नहीं चाहिए था अपनी फेस पे, बहुत ज़्यादा पिंक नहीं चाहिए था, तो मैंने कॉन्टोर का ब्रश लेके वापस से उसे अप्लाई कर दिया ताकि ये थोड़ा सा म्यूट डाउन हो जाए। सो या अगर आपके पास ब्राउनिश या ब्रॉन्जी टोन्स में ब्रश नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद मैं ये मैंने आपको पहले बताया था कि मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट में से बेक हाइलाइटर पैलेट है उसमें से सिल्वर पिंक शेड ले रही हूँ। ये मिक्स शेड है, बेक हाइलाइटर है ना तो मिक्स शेड है। सो या मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस, बिकॉज नाइट टाइम था तो हाइलाइटर इज़ अ मस्ट और हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा दूर थोड़ा सा, तो या उसके बाद मैं यहाँ पे पैक का मिडास्ट स्प्रे ले लूँगी। आई लव दिस स्प्रे, अगर आपने ना मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज़ किया है तो आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, ये बहुत अच्छा है। बस इतना है कि इसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं जो विजिबल नहीं होते हैं, बट या ये आपको बहुत अच्छा ग्लो देते हैं। सो ये बहुत अच्छा स्प्रे है, आई लव इट। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक ये है मिस क्लेयर की लिप लाइनर, शेड नेम मुझे याद नहीं है तो मैं नीचे डाल दूँगी। तो मैं इससे लिप लाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़े से प्रिसाइज लिप्स चाहिए थे, तो मैं बहुत अच्छे से लिप लाइन कर रही हूँ। और अगर आपने देखा नहीं है मैंने आप कैसे अपने लिप्स को एनहांस कर सकते हो उसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो आप मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद मैं एल्फ का लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है इन द शेड वाइन टूर समथिंग लाइक दैट। तो या एग्जैक्ट शेड मैं नीचे डाल दूँगी और लिंक भी डाल दूँगी तो आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का शेड ले रही हूँ इन द शेड जिंजर ब्रेड, तो या मैं इसे टॉप कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि बहुत लाउड दिख रही थी मुझे लिप्स। सो या इसी तरीके से मैंने अपना लिप कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं लैश कर्लर ले रही हूँ और अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आर्टिफिशियल लैशेस नहीं लगानी थी, आई वॉज जस्ट वॉन्टिंग के मैं मस्करा से अपना काम चला दूँ। तो या उसके बाद मैंने हाइपर कर लिया मेबिलीन का, एंड आई जस्ट मेक श्योर कि मेरे लैश अच्छी तरीके से कोट हो जाए। सो या बहुत बातें हो गई यार, मतलब एक सांस में इतनी बातें करनी, ओ माई गॉड, आदत छूट गई है ना, तो इट टेक्स टाइम। सो या मैं अच्छी तरीके से कोट कर रही हूँ अपने लैशेस को, बिकॉज आई लव दैट काइंड ऑफ लैशेस नाउअडेज, तो इसके लिए मुझे चाहिए ही। सो इस तरीके से मैंने मेरे पूरे फेस को कर लिया। उसके बाद है ना मुझे पता नहीं क्यों ये मस्ती चढ़ी थी कि मैंने क्राइलॉन का लिप ग्लॉस लिया इन द शेड चेरी ब्लॉसम और मैंने उसे अप्लाई कर दिया, फिर मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये ब्लेंड हो जाए ब्लेंड हो जाए ब्लेंड हो जाए, तो मैं बस यही चल रहा था।
यही है बस। तो वो हो गई थी ब्लेंड ऑफ कोर्स, एंड मैं आपसे अच्छे कपड़े पहन के मिलती हूँ। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। मैंने एक यू नो येलोइश पाकिस्तानी सूट पहना था, एंड या बहुत न्यूट्रल था मुझे वो, यू नो आप अगर ऐसे कलर पहनते तो आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं जाना होता, तो बहुत अच्छा दिख रहा था लुक, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। अगर आप लुक ट्राई करते हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे टैग करो, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय।